करीब तीन दिन से हम सभी दोनों बातों के बारे में, संकट काल की स्थिति है उसके बारे में और स्पिरिचुअल रेस्पॉन्स उसका क्या हो उसके बारे में भी सुन रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आप में से बहुतों ने प्रातः काल के योग अभ्यास के जो सेशंस चले हैं वो भी किए हैं, तो आप लोगों ने कुछ बातों में अपने विचार, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, कुछ तो अपने वो दिशा, अपनी धारा बना ही ली होगी। इन दोनों बातों में जो भी वर्णन अभी तक किया गया है, मैं उस बात में ना जाकर कुछ अलग ही बातें लेना चाहती हूँ। इतिहास हम सभी ने पढ़ा है और मैं तो हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, मेजर हिस्ट्री की मैंने, परंतु उसके साथ साथ धार्मिक इतिहास को भी जब हमने पढ़ा, सभी धर्मों की स्थापना समय की आवश्यकता अनुसार उनके धर्म स्थापक, उनके प्रॉफिट्स ने जो ईश्वरीय संदेश दिया जनता के प्रति, मानव के प्रति, उसका जब प्रयोग किया गया तो थोड़े समय के लिए जीवन में लोगों के परिवर्तन दिखाई दिया, उस संदेश का प्रभाव रहा और धर्म को मानने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ती गई। लेकिन आज का जो समय है उसमें हमें किसी और धर्म स्थापक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका हमें काफी अनुभव हो चुका है। लेकिन अब हमें आवश्यकता है उनकी, जो हम सभी, जो भी धर्म की मान्यताएं हैं, किसी भी रंग, भाषा, राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हो, उन सब में बंधुत्व की भावना, एकता की भावना, पवित्रता, शांति, प्रेम और शक्ति, ये चारों गुण विशेष तौर से न केवल व्यक्तिगत जीवन में परंतु व्यवहारिक रूप से भी रहें, तो हमें इस समय पर आवश्यकता है कि स्वयं हमारे प्यारे परमपिता, जिनको हम सभी ने बहुत आराधना से, भक्ति से, बहुत प्रकार से पुकारा, बहुत साधना की, बहुत उपवास किए, परंतु आज का समय ऐसा समय है कि हमें सुप्रीम गाइड की जरूरत है। अगर हम एक एक समस्या को लें और किस तरह से हमें अपने सद्गुरु पिता परमात्मा शिव बाबा की शिक्षाओं के द्वारा और उनके साथ जब हम अपना मन और बुद्धि का संबंध जोड़ते हैं, जो हमें शक्ति प्राप्त होती है उसके द्वारा, एक एक व्यक्तिगत समस्या, समाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान प्राप्त होता है, हम इस बात को लेंगे। पर उसमें जाने से पहले मेरे मन में ये संकल्प आया कि मेरा अपना विश्वास कि आज 60 वर्ष से परमपिता परमात्मा स्वयं हमारे गाइड हैं, ये विश्वास अगर मेरे जीवन में, ये निश्चय मेरे जीवन में आया, उसका एक ही कारण था, वो ये कि मैं हमेशा सोचती थी कि जीवन में गाइड, अच्छे गाइड का होना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी खोज में लोग, गुरु की खोज, कई संस्थाओं में जाते हैं,
शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परंतु जब मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई, बहुत साधारण शिक्षा के द्वारा जब हर बात समझ में आई, तो सबसे पहले तो ये समझ में आई और निश्चय हुआ कि परमपिता परमात्मा स्वयं न केवल हमें ईश्वरी ज्ञान दे रहे हैं, परंतु हमारे साथ, हमें साथी बनाकर विश्व का नवनिर्माण कर रहे हैं। मैं करीब 15-16 वर्ष की थी जब मेरा पहली बार विद्यार्थी रूप में संस्था का आना हुआ, तो एक बहुत बड़े आई सर्जन थे, उनसे हम मिलने के लिए गए। वो बहुत प्रसिद्ध थे और लोग कहते थे कि नेत्रदान बहुत बड़ा दान है, कि बहुत मान्यता थी। तो हम उनसे मिलने के लिए गए, तो कहा आप क्या करते हैं। वो बहुत व्यस्त थे, 5 मिनट ही थे, पर वो मिलना चाहते थे। आप क्या करती हैं? हमने कहा हम ईश्वर को मदद करते हैं। कहा आप ईश्वर को मदद करती हैं? तो मुझे जब उन्होंने फिर से कहा, तो मैंने सोचा मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा मैंने राइट ही बात कही है। तो कहा हमने तो ये सुना है कि ईश्वर सबको मदद करते हैं, पर ये हमने कभी नहीं सुना कि ईश्वर को भी और वो भी आप जैसी बच्ची मदद करेंगी। तो कहा आप दोपहर को फिर आना मेरे घर, हम सब अच्छी तरह से इस बात पर चर्चा करेंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूं कि जो गाइड है परमपिता परमात्मा, जब शिक्षा के द्वारा हमारे गाइड बनते हैं, तो वो हमें भी साथी बनाकर, सहयोगी बनाकर, हम भी इसी तरह से ईश्वरी संदेश सबको दें। और जो मुझ पिता का कार्य है, वो ही मेरा कार्य है। बस एक मन में यही संकल्प था कि पिता का कार्य इस समय पर सृष्टि परिवर्तन है, तो मेरा भी संकल्प, वचन और कर्म इसी ही कार्य में लगना चाहिए। सबसे पहले जो स्वयं का परिचय, जो अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन स्वयं को आत्मा समझना और विश्व बंधुत्व, हम सभी आत्मा के संबंध से भाई भाई हैं, परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, इसलिए विश्व एक परिवार है। और चौथी बात ये कि इस वर्तमान समय पर इस तरह की स्मृति, वृत्ति और कृति द्वारा ऐसे ही सृष्टि का निर्माण, ये परमात्मा का कर्तव्य है। बहुत साधारण बात थी, लेकिन मन में ऐसा लगा कि परमपिता परमात्मा ही बच्चों की पहचान, बच्चे की पहचान, आत्मा की पहचान और स्वयं की पहचान दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने अभ्यास आरंभ किया, आप में से कई आरंभ करने जा रहे हैं, परंतु जैसे जैसे उस अभ्यास के साथ समाज और इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, कुछ इस तरह के जिनको हम देखें कि एक तरफ परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं और जो वर्तमान संकट की स्थिति है या कोई समस्या है, उसका समाधान किस तरह से होता है, तो उसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगी। ऐसे तो समस्याओं की भी अगर हम लिस्ट बनाएं तो बहुत लंबी है, पर मुझे हमेशा मन में ये आता है कि मुझे जो थोड़ा सा समय मिला है, मैं समस्याओं के विस्तार में जाके वो समय नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा अवेयर हैं, भली भांति परिचित हैं कि हमारे सामने ओवर पॉपुलेशन, पावर्सी, पोल्यूशन, न केवल ये, लेकिन आज मनुष्य घर से निकलता है, वो वापस लौटेगा कि नहीं। मैं ये बात ऐसे देश में करीब 18 साल रहने के बाद कह रही हूँ जिसको संसार का सबसे बड़ा खुशहाल देश अपने तरह से माना जाता है। आज हम सभी बहनें भी अगर प्रातःकाल सेवा के लिए निकलती हैं, अगर हमें इस तरह से शिव बाबा की साथ और रक्षा का निश्चय न हो, तो शायद हम भी इसी संकल्प में ही रहें कि घर लौटेंगे कि नहीं। आज साल में 80,000 से ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति जब सवेरे 9:30 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है, तो उसका जब चेयरमैन उसको बुला के एक चिट्ठी हाथ में देता है कि आज से लेके आपके काम की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो न केवल वापस लौटेंगे कि नहीं, लेकिन वापस नौकरी पर जाएंगे कि नहीं दूसरे दिन। और उसके साथ साथ ऐसा तो संभव नहीं है
कि सभी ऑक्सीजन मास्क लगाकर ही रास्तों पर घूमें, इतना पोल्यूशन है कि पोल्यूशन से भी यूज्ड हो जाता है मनुष्य, इम्यून सिस्टम उसका ले लेता है। न केवल ये, लेकिन आज जो हम आज 5 मिनट भी अगर आप कोई भी किसी तरह का टेलीविजन चैनल, कोई रेडियो का कोई भी अगर वॉल्यूम खोल के बैठे चैनल, तो आप मेरे को तो एक ही शब्द सुनाई पड़ता है, शॉर्ट 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 शॉर्ट। तो मैंने कहा इसको मारा गया, इधर मारा गया, इधर बम फड़ा, कितना आसान हो गया। साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की, इतने सब मिसाइल्स बने, सब हुआ। हमारे पास अमेरिका में ओकलामा का आपने सुना होगा किस्सा, सिर्फ फर्टिलाइजर्स, टन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स को ट्रक में रख के एक बहुत बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन। जरूरत नहीं है, कोई विज्ञान की जरूरत नहीं है, उन बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है, टन्स ऑफ फर्टिलाइजर से आप एक्सप्लोड कर सकते बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो इस तरह के जब हम समाचार सुनते हैं, लेकिन परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई हमें जो शिक्षाएं हैं और उसके आधार से न केवल अपनी जीवन में अभ्यास, परंतु हम सब इस शिक्षा को, इस संदेश को जब जन जन तक पहुंचाते हैं, उनको पहुंचाने के लिए दो तरह से जो हम कार्य करते हैं, एक तो अपने जो सेवा केंद्र हैं उनके द्वारा शिक्षा कोर्सेज आदि का प्रबंध, और बहुत विशाल कार्यक्रम जैसे सम्मेलन आदि आदि, परंतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट भी हम लोग करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जब आध्यात्मिक शिक्षा मनुष्य जीवन में नहीं रहती, और जो शिक्षा हम सबको मिल रही है आज कितनी मेजॉरिटी लोगों के जीवन में नहीं है, तो जब आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है तो मूल्य जीवन में नहीं रहते, और जब आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है तो वैल्यूज की लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ये सब वैल्यूज मनुष्य के जीवन में धारण करने की शक्ति आती है। जानते हम पहले भी थे, मानते हम पहले भी थे, लेकिन हम धारण नहीं कर पाते थे, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा जो परमात्मा स्वयं देते हैं, और जब परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट योग होता है, संबंध होता है, उनसे जो शक्ति मिलती है, तो मूल्य जीवन में वैल्यू बेस्ड लाइफ तो इतनी नेचुरल हो जाती है कि उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परंतु जब उन मूल्यों को हम समाज में, व्यवहार में, इंटरेक्शन में लाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस के 900 एनजीओज हो, चाहे एक राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र हो, तो जब इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड इंटरेक्शन में हम लोग आते हैं, तब ये देखना होता है कि ये मूल्य जो जीवन में धारण किए हैं, उनका संदेश जब दूसरों को दिया जाता है, तो परिवर्तन, समस्या का समाधान, चिंता में रहना और इसी डर में ही रहना, उससे तो मनुष्य स्वतंत्र हो ही जाता है। जब हम लोगों ने मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का एक प्रोजेक्ट किया था 1986 में, तो हमसे किसी ने नहीं पूछा कि ये किस धर्म का है प्रोजेक्ट, किसी ने ये नहीं कहा कि हम मॉरिशियस से नहीं भेजेंगे आपको मिनट्स, या न्यूयॉर्क के 1000 स्कूल्स में से उन्होंने ये नहीं कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, वहां से नहीं भेजेंगे हम आपको। तो आज मुझे ये विचार आया कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट हुआ, जिसमें इतने देशों के व्यक्तियों ने बिना ये जानकारी प्राप्त किए ही, क्या ये भारत से ओरिजिन हुआ है, ये किस भाषा का है, किस धर्म का है, किस तरह की आस्था रखने वालों, कोई भी प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, और सबने उसमें जो भाग लिया, क्योंकि उसमें जब कोई भी मेडिटेशन की बात आती है, पीस की बात आती है, तो उसके आधार से एक मनुष्यों के मन में जो एकता की, एक मत की भावना पैदा होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ऐसा उदाहरण रहा उस समय जब हम सब भूल गए, मतभेद, रंग भेद, जो भी तरह का भेद है वो सब भूल के हम सब ने एक प्रोजेक्ट किया। पर इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण, क्योंकि देखिए कई देशों में कुछ स्थितियां प्रगट रूप में दिखाई देती हैं, कुछ स्थानों पर स्थितियां प्रगट रूप में नहीं दिखाई देती, लेकिन अंडरग्राउंड, अंडर लेयर्स बहुत हैं। जैसे आज हम
अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं कि रंग भेद, धर्म भेद, हर तरह का भेद बहुत अच्छी तरह से है वहां पर। कभी कभी वो फ्लेयर अप हो जाता है, कभी कभी कुछ घटनाओं में दिखाई पड़ता है। तो जब ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट किया हमने, तो हम चाहते थे कि सभी स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट जाए। तो उन्होंने कहा, हम कैसे माने कि आप धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते, हम कैसे माने कि आप जो कुछ इस प्रोजेक्ट के द्वारा करेंगे वो सबके लिए है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो हमने उस पर 12 बच्चे जो अलग रंग, अलग धर्म, अलग फैमिलीज और बैकग्राउंड, संस्कृत कल्चरल बैकग्राउंड से आए हुए थे, उन सबको बिठा कर हमने कहा कि बेटर वर्ल्ड के लिए आप अपना विजन तैयार करना है और ये आपके सामने चार्ट है, आप सब अपने विचार बताइए। पहले तो वो एक दूसरे को देख करके ऐसे सहमे हुए थे कि ये गोरा है, ये काला है, ये इस रंग का है, और कोई किससे बात नहीं करता था, इतनी टेंशन थी। 5-7 मिनट के अंदर हमने देखा कि वो सब भूल गए और सब कहने लगे ये होना चाहिए, ये होना, सब जो वैल्यूज थी उसके बारे में बोलने लगे। हमने उसकी वीडियो निकाल के जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में दी तो वो हैरान हो गए कि बच्चों में भी वो तनाव है कि आप किस फैमिली से आए, आप किस धर्म से आए, किस रंग के हैं, कैसे कपड़े डाले हैं, इन सब बातों का वो एकदम मेंटल टेंशन भी उनका दूर हो गया, वो अंतर भी नहीं रहा। और उस वीडियो के आधार पर उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आपको हम कई देशों की गवर्नमेंट ने, पर न्यूयॉर्क में खासकर उन्होंने 1000 स्कूल्स में, अभी तक भी हमारे पास उसके जो स्कूल पैक बने थे उसके ऑर्डर्स आते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज आध्यात्मिक शिक्षा जो मूल्यों में परिवर्तन हुई है हम सबके जीवन में, उसके आधार से जो भी कार्यक्रम होते हैं। एक तीसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ जो तीसरे प्रोजेक्ट का है, शेयरिंग अवर वैल्यूज फॉर बेटर वर्ल्ड। ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा, प्रोजेक्ट तो पिछले साल था, लेकिन मैं इस उसके बाद जो बातें हुई उसके बारे में ये कहूँगी कि हम लोगों ने फैमिलीज, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉरपोरेशंस में ये वर्कशॉप शुरू किए हैं। तो न्यूयॉर्क में जो हार्मनी हाउस है, तो हमारे एरिया में मोस्टली ज्यूज हैं या मिडिल ईस्ट के लोग हैं, टर्की, ईरान, सब मिडिल ईस्ट के, या जैपनीज हैं, क्रिश्चियंस बहुत कम हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ के मेयर ने ये कहा कि आज तक भी ये तीनों पड़ोसी कभी इकट्ठे नहीं कहीं बैठे थे, कभी भी ज्यूज मिडिल ईस्ट से, सब अरब कंट्रीज और उसके साथ साथ जैपनीज, इस तरह से 50-40 ऐसे बैठे आपस में, कोई पड़ोसी कभी नहीं मिलता था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भेजा जब हमने डायमंड जुबली की लॉन्चिंग की, और उन्होंने यही कहा कि ये हार्मनी हाउस ही एक ऐसा स्थान लगता है जहां पर ये सब मतभेद भूल जाते हैं। तो बेशक अगर हम विस्तार में समस्याओं को लेते हैं तो आप कहेंगे ये हल कैसे हैं, लेकिन क्योंकि जिस स्थान पर जिस प्रकार की शिक्षा धारण किए हुए सेवाधारी निमित होते हैं और जो वातावरण होता है, उस वातावरण में आने से जो परिवर्तन सबको अनुभव होता है, तो इसमें अगर आप देखिए कि सबसे बड़ी समस्या जो धर्म भेद की, जाति भेद की, रंग भेद की है, जिस कारण आप देखिए आज बहुत बड़ी समस्या थी जिसमें बड़े बड़े देश कई वर्षों तक चुपचाप बैठे रहे, वो कुछ नहीं कर पाते थे, जो बोस्निया और इस इलाके का संघर्ष था, क्योंकि किसका साथ दें, दें तो कैसे, थोड़े और मरेंगे ना कि वो बचा, कितने वर्ष लगे, आपने देखा होगा कि सब चुपचाप बैठे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था एक्शन प्लान क्या लिया जाए। और बात सिर्फ इतनी थी कि आपके पड़ोसी सिर्फ आपके ही धर्म के होने चाहिए, आपकी जो सिटी है वो सिर्फ आपके ही ग्रुप का। एक नया नाम निकला, एथनिकल क्लेंजिंग, हमने तो छोटे रूप में सुना था, लेकिन इतने विस्तार से इतने लोगों की, इतनी जनसंख्या का वहां पर मारना सिर्फ धर्म के मतभेद के कारण। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सारे विश्व में जहां भी हम जाते हैं इस समय पर, आध्यात्मिकता के लिए, जिसको हम कहते हैं वो आध्यात्मिक न भी कहें, लेकिन उनकी थिंकिंग चल रही है ऑल्टरनेट मेथड्स हर बात में। हेल्थ के बारे में ऑल्टरनेट मेथड्स क्या है, सिर्फ एलोपैथी की दवा नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में
ऑल्टरनेट मेथड्स क्या है। आज कितने डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर सबको कहेंगे आप मेडिटेशन सीखने के लिए जाइए। इसी तरह से इकोनॉमिकली भी, एक तरफ तो वो समझते हैं कि हाँ हालत खराब है, और वो तो मुझे तो कोई आसार नहीं दिखाई देते हैं कि समय पर कहीं हम उसको थाम सकेंगे, क्योंकि जब हमारे कर्ज, अमेरिका जैसे देश के कर्ज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो कहाँ से कब कोई चुकाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ऑल्टरनेट मेथड, लाइफस्टाइल साधारण हो, तो जितना साधारण है, जिस पर भी हमें आज बहुत एनजीओज और आसपास के जो भी इंटर रिलीजियस बॉडीज हैं वो ये कहती हैं कि जिस तरह से आपका कार्य चलता है, कार्य आप लोग बहुत बड़ा करते हैं पर सिंपल बहुत है, कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि बहुत यू नो पॉम्प एंड शो है या बाहरी तरीके से, जैसे कई हैं कितनी पब्लिसिटी पर उनका कितना उनका खर्च होता है, लेकिन आप लोग कितनी सिंपल तरीके से करते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेट मेथड्स, हर तरह की, हर प्रॉब्लम में ऑल्टरनेट मेथड्स की बहुत सीकिंग कहें या खोज है। मुझे बहुत कुछ महीनों से बार बार ऐसा मन में आता है कि हम इसी तरीके से अपनी इन गुणों की धारणाओं से और ऐसे ही गुप्त तरीके से कार्य करते रहे। मैं इसलिए गुप्त कह रही हूं कि भारतवर्ष में और कुछ देशों में तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, परंतु अमेरिका में अभी तक हम लोग गुप्त हैं। लेकिन मुझे इतनी सफलता इस तरह से दिखाई देती है कि जरूर एक दिन सभी के मन में ये भावना रहेगी कि परमपिता परमात्मा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा, मूल्य, उच्च जीवन जो सिखा रहे हैं, वही सब समस्याओं का समाधान है। मैं ये कहूंगी कि अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा विचार करके आप ये विश्वास ज्ञान और विवेक के आधार से ले जाएं, और उसके साथ साथ जहां तक आप लोग ये संदेश दूसरों को दे सकें, तो मैं समझती हूं कि आज, कल, परसों बहुत दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि इतनी फास्ट स्पीड से चेंजेस आ रही हैं कि जितनी हमें अति दिखाई दे रही है उसका अंत दिखाई दे रहा है, हमें एक इति, एक आरंभ भी दिखाई दे रहा है, और सबके अंदर ये जागृति आनी ही है। परंतु हम सब उपस्थित अगर इस संदेश को और साथ साथ इस धारणा को जीवन में बना के कार्य करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी ही समस्याओं से मुक्त संसार, सुंदर संसार का निर्माण हो सकेगा। ये मेरा सिग्नल है। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। भारत वर्ष में एक प्रथा प्रचलित है, जब कुछ संकटकालीन समय होता है या तो कुछ यज्ञ करते हैं या व्यक्ति कुछ दान देता है, वो संकट से छूट जाए। तो दोनों कार्य अनुपम और अलौकिक रीति से किए जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा शिव ने, जो सारे विश्व की आत्माओं के परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु हैं, एक अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ जिसका नाम है राजश्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ,
एक ऐसे यज्ञ की स्थापना की है जिसमें मानव आत्माओं को ये प्रेरित किया जा रहा है, जो भी हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों का, विकारों का दान दीजिए, जिस दान के आधार से हम महादानी और वरदानी बन जाएंगे। संसार में व्यक्ति दान तो अनेक प्रकार के करते हैं, वो आप देखते हैं, वस्त्र दान करते हैं, धन दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, बहुत प्रकार का दान करते हैं। परंतु यहां पर जो प्रथा दान की सिखाई जा रही है वो एक विभिन्न प्रकार की प्रथा है, और उसमें आवश्यकता है, वास्तव में सबसे बड़ा दान जो होता है समय का दान, जिसके लिए आज व्यक्ति कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है। चाहे आप अधिकारीगण को लीजिए, चाहे पॉलिटिशियंस को लीजिए, चाहे एजुकेशनिस्ट को लीजिए, किसी को भी लीजिए, जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, ज्ञान की चर्चा करने के लिए जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा क्राइस वो कहता है साहब हमारे पास समय नहीं है। विचार कीजिए, क्या आपके पास मृत्यु आएगी उस मौत के लिए बोलेंगे कि उसके लिए फुर्सत नहीं है? वो तो आएगी और ले जाएगी। परंतु जो परमात्मा कालों का काल महाकाल जिसे कहा जाता है, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, वो परम पिता परमात्मा महाकालेश्वर कालों का काल हम सब आत्माओं को पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं, समय का दान दो। किसके लिए समय का दान दो? दूसरों के लिए क्या? अपने लिए। मनुष्य के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से वह अपने आत्मा के कल्याण के लिए आधे घंटे का, एक घंटे का, 15 मिनट का समय अथवा फुर्सत नहीं निकाल पाता। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार पिताश्री फाउंडर ने हम बच्चों को यह सबसे बड़ी पहली बात सिखाई, समय का दान दो। जिनके पास समय नहीं है उन आत्माओं के पास नारद मुनि बन करके ज्ञान की वीणा बजाने के लिए, ज्ञान का संदेश देने के लिए मानव आत्माओं को समय का प्रभाव, समय की जागृति बताइए, और स्वयं समय का दान देकर दूसरी आत्माओं को समय के दान की प्रेरणा दीजिए। सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति।